कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपना दम दिखाया। भाजपा ने जहां कर्म माफी नहीं होने, बिजली के बिल ज्यादा भेजे जाने और बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं देने को लेकर राज्य सरकार को कोसा, वहीं कांग्रेस के केंद्र बिंदु में भी किसान ही रहे। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन कर संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जिस दिन किसान ने ठान लिया सरकार अपने आप गिर जाएगी। वहीं भाजपा के प्रदर्शन के पहले सोमवार सुबह कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर ही केंद्र को घेरने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। चूंकि ये जरूर सच्चाई है कि धनराशि की कमी है, खजाना खाली भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, जो कमल तरीके से पहले 50,000 तक, फिर लाख तक, फिर 2 लाख तक के भी कुछ किसानों को माफ किया, कुछ बाकी है जो अतिशीघ्र जिसको पूरा कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि यह देश में सबसे बड़ा अगर किसी ने फैसला लिया है किसी राज्य में, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने काफ़ी हद तक पूरा किया और करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जो है जादुई आंकड़ा, जो कि बहुमत का है, उसको लेकर कवायद तेज है। पवई में एक सीट से रिक्त हुई है। शिवराज जी कह रहे हैं कि जिस नियमों के तहत रिक्तता दिखाई गई है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, वो गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, आखिर किस तरह से आने वाले दिनों में क्या एक और उपचुनाव देखने को मिलेगा? विधानसभा अध्यक्ष ने और नियम कानून को प्रक्रिया को पूरा करके ही ये फैसला लिया, और जिस प्रकार ये सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो मैं इनसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करता हूँ कि आप जनता की अदालत के रूप में फिर से चुनाव होगा। जो झाबुआ में हमारा चुनाव उसका रिजल्ट क्या आया, निश्चित ही दिन प्रतिदिन हरियाणा का देखो,